हो गया लाइव। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। और आज का जो मेन टॉपिक है वो रेबीज के ऊपर है। कुछ एक क्वेश्चन भी आ रहे थे इस रिलेटेड। और एक जो इंसिडेंट परसों यहाँ जलंधर में हुआ, एक 12 साल का बच्चा ट्यूशन से घर जा रहा था, मुझे मालूम था ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैं ये इधर को घुमा कर रखता हूँ। भाई जी की पैर थे ना पड़े बॉन्स, वी आर लाइव, ओके, इट्स नॉट लाफिंग एनी मोर, ओके, की पैर थे लेट कर रहे हूँ। और सही है। मैं पहला कहता है तेरा पैर च लग जाना किसी ने समझ। और जो परसों इंसिडेंट हुआ, ये इसके लिए अपोलोजाइज जो अभी गिरा कैमरा। परसों एक 12 साल का बच्चा शाम के समय आ रहा था ट्यूशन से, देन उसके बाद एक पिटबुल ने इस पर अटैक किया। तो थैंक अभी बच्चा आउट ऑफ डेंजर है, तो वी प्रे कि वे गेट वेल सून। और बाकी वो पिटबुल गली में क्यों घूम रहा था, बाहर क्यों घूम रहा था, वो काफ़ी बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए अभी तक। लेकिन जल्दी से क्विक आपको रिप्लाई कर दूं कि आज का जो मोस्टली जो शो आने वाले हैं माय फ्रेंड, एक तो जलंधर में अमेरिकन बुली का बढ़िया शो हो रहा है जलंधर में, जो कि होगा सैटरडे को, परसों। उसके बाद संडे को शो हो है सर लुधियाने में, और एक बड़ा डॉग शो है मुंबई में, और संडे को एक डॉग शो गुजरात में है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। रैबिस का जो होता है इंजेक्शन, वो मोस्टली माय फ्रेंड पप्पी को 90 दिन से पहले लगाया जाता है। एक मिनट माय फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माय फ्रेंड वो है रेबिस का जो इंजेक्शन। अगर हम नया पप्पी लाते हैं तो वो लगता है लगभग 90 दिन से पहले, पहला इंजेक्शन। उसका बूस्टर उसके 60 डेज के बाद लगवा सकते हो आप, 40 डेज के बाद लगवा सकते हो आप। और रेबिस अगर वो जो लास्ट इंजेक्शन होते हैं वो 1 साल तक वैलिड होता है रेबिस का इंजेक्शन। कुछ लोग माय फ्रेंड मेरे फ्रेंड जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं हमारे फार्मों में, आफ्टर 6 मंथ भी हम रिपीट करते हैं अडल्ट डॉग के रेस्ट ऑफ लाइफ, आफ्टर 6 मंथ, नहीं तो आप 1-1 साल के बाद। लेकिन डॉग का हेल्थ कार्ड जरूर बनाइए, वहाँ पर ही डॉग की स्लिप लगेगी, स्टिकर लगेगा, जिस भी कंपनी का आप रेबिस का इंजेक्शन लगवा रहे हो। और आपको फिर याद भी रहेगा कि नेक्स्ट ईयर उस डेट से 1 दिन पहले लगवाना है। और अगर बात रही दूसरी कि भगवान ना करे आप रास्ते में चल रहे हो, आपको किसी डॉग ने काट लिया, वो अगर तो वो डॉग पालतू है तो आप उसके ऑनर से पूछिए कि उसने रेबिस का इंजेक्शन उसको कब दिया। वहाँ से फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आपको रेबिस के इंजेक्शन लेने हैं या नहीं लेने हैं। लेकिन अगर वो स्ट्रीट डॉग है, ऑब्वियसली 90% स्ट्रीट डॉग को नहीं रेबिस का इंजेक्शन लगता, तो आपको फिर 3 इंजेक्शन तो लेने ही लेने होते हैं। एक होता है 0 डे, मान लीजिए आज ही विद इन 24 आवर्स, अगर भगवान ने करे किसी को अभी काटा। दूसरा इंजेक्शन आफ्टर 3 डेज, और तीसरा इंजेक्शन आफ्टर 7 डे, वो तब जब स्ट्रीट डॉग पागल ना हो। नॉर्मल स्ट्रीट डॉग भी जब काटते हैं सर्दी के मौसम में, हीट के मौसम में, इरिटेट होते हैं, गुस्से होते हैं, उसमें आप काट सकते हो, लगवा सकते हो। लेकिन कोई अगर किसी पागल डॉग ने, जो डॉग कभी कोई जहरीली चीज़ खा लेते हैं, वो जो जब वो उनके वो फिर रेबीज बहुत स्ट्रांग होता है, तो उस केसेस में फिर 3 इंजेक्शन तो लेने ही है। चौथा इंजेक्शन जो लेना है 15 दिन के बाद, और आखिरी लास्ट 1 महीने के बाद, तो उस केसेस में 5, नॉर्मली 3 इंजेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप बी केयरफुल। अगर माय फ्रेंड आप कोई भी ऐसी ब्रीड रख रहे हो जो गार्ड डॉग, खार डॉग कोई ब्रीड है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जब भी आप उसको लेकर चलो सा आप खुद प्रेजेंट हो, डॉग का लीश जरूर होना चाहिए, डॉग के स्टिक आप अगर गार्ड डॉग है तो स्टिक साथ में जरूर होना चाहिए ताकि डॉग आप पे कंट्रोल में रहे। लेकिन वो पिटबुल कहाँ से निकल कर आ गया, अभी तक कोई जवाब नहीं है, तो वो कहीं और ऐसा ना बुरा हुआ। तो आज का जो
इसके बारे में आपने मुझे बताया नहीं। डिस्क्रिप्शन छिपा देंगे। ओके, और बाकी जो आज की स्टोरी है माय फ्रेंड, वो आपको डिस्क्रिप्शन में। आज आपका इसके साथ क्यों इतना प्यार है यार, क्यों आप इतना कर रहे हो आज? चलो नेक्स्ट। विपिन कुमार सर, आपकी शॉप कहाँ पर है? आज जलंधर पंजाब में सर। लक्ष्य ऑफिशियल सर 7 मंथ के जी जर्मन शेफर्ड के लिए पॉटी ट्रेनिंग स्प्रे काम करेगा। बहुत बहुत कम, बहुत मैं कभी रिजल्ट आ भी सकता है, लेकिन इतने बड़े डॉग को ट्रेनिंग देना ज़्यादा बेटर है कि आप खुद ट्रेनिंग दीजिए, नहीं तो ट्रेनर की हेल्प लीजिए, क्योंकि पपी के ऊपर इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, लेकिन अडल्ट सेमी अडल्ट डॉग के ऊपर ज़्यादा भी वो लिक्विड यूज़ करना कभी कभी पड़ता है, और उतना बढ़िया रिस्पॉन्स भी नहीं हमें मिलता। हर्ष सिंह पनवर सर, मैसी के पास जो फ्रेंच मैस्टिफ है वो क्वालिटी का कितने में मिलेगा? सर देखो, फ्रेंच मैस्टिफ एक ऐसी ब्रीड है माय फ्रेंड, जो कि एक नॉर्मल, जो अभी अभी सलमान खान के पास भी फ्रेंच मैस्टिफ से जॉब हुए, वो कीमत करोड़ों में चली जाती है, लाखों के तो बात ही छोड़िए। ये एक ब्रीड ऐसी है माय फ्रेंड, जो कि अगर आप स्टार्टिंग प्राइस करो फ्रेंच मैस्टिफ, जो 25-30 से शुरू होता है और ये लाखों तक पहुंच जाता है, और इसकी ब्लड लाइन या कोई बाहर से अगर इंपोर्ट करवाना हो या फिर किसी रॉयल फैमिली से लेना हो, तब तो ये करोड़ों में पहुंच जाता है। ट्रस्टेबल टैग सर, डॉक्टर बोले हैं 6 मंथ से 2 टाइम खाना कर देते डॉग का, मेरे लैब 4 मंथ का है। सर हाँ करते हैं, बट ऐसा है कि आप अपने डॉग को ज़रूर फॉलो कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 मंथ का होते होते डॉग, गर्मियों में एज उसकी 6 मंथ होती है, तो तब दिन बहुत बड़ा होता है, सुबह लगभग आप 5 बजे ही सूर्य देवता आपको दर्शन देंगे, और शाम के लगभग 7 बजे तक वो डूब रहती है, सूर्य देवता आपको दिखाई देते रहते हैं। तो उस केसेस में अगर आप सुबह डॉग को 9 बजे खाना देते हो और रात को फिर 8 बजे देते हो, तो बहुत दिन काफ़ी लंबा हो जाता है, और उस समय आप दोपहर को, जैसे मैं अपने फार्मों में, या हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो अपने फार्मों में, उस समय दोपहर को डॉग को थोड़ा बहुत लाइट कुछ ना कुछ देते रहते हैं, जिनसे वो डिहाइड्रेट ना हो और उनको एक पेट ठीक रहे। भुवन शर्मा, मेरे पप्पी का वैक्सीनेशन कार्ड गुम हो गया है, क्या उसे सारे वैक्सीनेशन शुरू से दे सकते हैं? नो, कोई ज़रूरत ही नहीं है सर। देखो, वैक्सीनेशन कार्ड गुम हो गया, लेकिन आपको इतना तो याद है ना इसको कितने इंजेक्शन लग चुके हैं, कौन कौन से लग चुके हैं। अगर आपको नहीं याद, तो यहाँ डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लगवाते हो, हाँ वो आपको बता देंगे कितने लग चुके हैं, कुछ याद रह जाता है उनको, लेकिन जो रिमेनिंग है वो ही लगाइए। मान लीजिए कि आप 10वीं, एग्जाम्पल के तौर पर 10वीं या 12वीं पास हो, और भगवान ना करे वो सर्टिफिकेट आपसे गुम हो जाए, तो शुरू से पढ़ना थोड़ी चालू करना है, तो आप जो रिमेनिंग इंजेक्शन है वही लगाइए माई फ्रेंड, और उन डॉक्टर साहब को कहिए कि एक नया कार्ड बना दे, जो पुराने इंजेक्शन है अगर डेट उनकी याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो वहाँ पर कोई भी आप खाली जगह छोड़ सकते हो या लिख सकते हो कि आई लॉस माई वैक्सीन कार्ड, लेकिन जो उसके बाद नेक्स्ट लगेंगे वो ज़रूर चालू कर लीजिए। कृष्णा, हाय सर, माय अमेरिकन बुली और एलर्जी ऑल ओवर बॉडी, हाउ टू क्योर? सर हमारे लगभग 3 वीडियो हैं इसी टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ के मुख्य कारण होते हैं, सर्दियों में तो ये चीज़ होती बहुत कम है, गर्मियों में ज़्यादातर होती है, फिर डॉग को नमक मिर्च मसाला मीठा दूध आदि देना इसके मुख्य कारण होते हैं, डिवॉर्मिंग ना करना ये भी एक कारण है। बाकी रही बात जो बिग रोल है, वो इस समय मैं अगर आपको कहूँ माई फ्रेंड, वो मोस्टली हमारा वीडियोज है डॉग स्किन इन्फेक्शन के नाम से, वो देखना पड़ेगा इन्फेक्शन है, एलर्जिक है, क्या है, जो मेडिकेटेड शैम्पू भी कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, कुछ एंटीबायोटिक भी कभी कभी देने पड़ते हैं, बट वो चीज़ मेन रोल है। यूट्यूब बुली फीमेल देसी डॉग से क्रॉस हो गई है, 20 to 25 days हो गए, क्या करूं भाई? अभी आप कुछ नहीं कर सकते, अभी वेट कीजिए डिलीवरी तक का, और नेक्स्ट सीट पर ही आप ब्रीड से ब्रीड ही करवाइए, और जब भी आपका डॉग हीट पर आए तो एक्स्ट्रा केयर के साथ उस वो कुछ 10-15 दिन होते हैं जो आपको बहुत केयर करनी होती है। स्टार हाउस AMB सर, अमेरिकन बुली फीमेल 6 मंथ स्ट्रेंजर पर अग्रेशन शो करता है, बड़ा होकर काम हो जाएगा? सर देखो, अमेरिकन बुली अच्छे गार्ड डॉग होते हैं और वो अपना काम कर रहा है, हाँ अगर आप उसको अपना उसका काम नहीं करने दोगे, तो फ्रेंडली बनाना चाहते हो तो वो बन भी जाएगा, आप उसको डांटिए जब वो किसी के ऊपर भौंकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बिल्कुल दुकान के सामने एक जर्मन शेफर्ड है,
वो सिर्फ नाम का जर्मन शेफर्ड है, काम से उसका दूर दूर का जर्मन शेफर्ड की जेनेटिकली या आदतें कह लो, बिहेवियर कह लो, कोई लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि उसके मालिक ने उसको ऐसा बनाया है कि भौंकना तो उसको सिखाया ही नहीं है, उसकी किताब में ही नहीं है ना वो। कोई चलता है चलो भौंका नहीं, कोई उसके पास से गुजरा, कम से कम डॉग जर्मन शेफर्ड अलर्ट होते हैं, वो भी नहीं करता। मान लीजिए कि लेब्रा भी जो सबसे लेजी लेब्रा है ना, वो उससे भी ऊपर है, क्योंकि उसके मालिक ने उसको ऐसा, ये चीज़ मेन होती है कि आप जैसा, बट मैं कभी भी ये चीज़ नहीं, मैं इसके साथ कभी एग्री नहीं होता। अगर आपने को उससे वो चीज़ से काम ही नहीं करवाना, राइट, तो फिर आप वो ब्रीड लो ही ना, राइट। आपको अगर कोई सामान ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है तो आप कार थोड़ी लोगे ना, पिकअप ट्रक ही लोगे ना, तो वो अपनी जगह चीज़ होती है, वो अपनी जगह होती है। सपना सिंह, हाय सर, सेंट बर्नार्ड कैसी ब्रीड है? सेंट बर्नार्ड बहुत बड़ी और लार्ज ब्रीड है, जो बॉडी वेट लगभग 90-80 किलो तक चला जाता है, बहुत घने बालों वाली ब्रीड होती है। उसका स्पेशली हमें गर्मियों में बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है, छोटे घर में रखते हैं तो ज़्यादा वेट बहुत जल्दी पुट ऑन कर लेते हैं, स्लिपरी फ्लोर पर रखोगे तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी बहुत आएगी। ये एक इनफैक्ट ये एक बड़े घरों में गार्डन, जहाँ बड़ा घर हो, रफ फ्लोर हो ऑल ओवर, वहाँ रहना रखना ज़्यादा बढ़िया रहता है इनके लिए, तब इनको बिल्कुल एक हेल्थी एनवायरनमेंट मिलता है। नहीं तो सुबह शाम एक अच्छी लंबी वॉक कंपलसरी है अगर आपका घर छोटा है, लेकिन काफ़ी लवेबल ब्रीड है और बहुत अच्छे वॉच डॉग एंड गार्ड डॉग भी होते हैं। दिगंबर प्रसाद, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एंगुलेशन जर्मन शेफर्ड? सर देखो कोई ज़्यादा कभी फर्क नहीं होता है, जर्मन शेफर्ड का प्राइस उसके कोट के ऊपर ज़्यादातर निर्भर करता है। एंगुलेशन वाले कुछ कुछ मेरे फ्रेंड हैं एंगुलेशन डॉग लेना लेते हैं, कुछ कहते हैं नहीं हमें एंगुलेशन नहीं चाहिए बस, तो ये लगभग शुरू हो जाते हैं कुछ 10-12 हज़ार से नॉर्मल, बढ़िया शुरू हो जाते हैं कुछ 15-18 से सर। मोहम्मद फारस, डोबरमैन कैसा है? वीडियो डिटेल में बनाएं उसके ईयर और टेल। हाँ ठीक है ज़रूर। डाबरमैन पिंचर एक अच्छा वॉच डॉग, अच्छा गार्ड डॉग है। इसके टेल और कान क्रॉप करने के ऊपर कहानी ये है कि आप जानते हो कि ये एक अच्छा वॉच गार्ड डॉग है, और जो भी यूरोप में कोई एक्सपेंसिव तब आइटम्स, कोई थिंग्स, मनी, गोल्ड, ज्वेलरी कुछ भी लेकर चलते थे तो साथ में डावरमैन होता था, ताकि उनसे कोई उनको कोई बैड पीपल उनसे वो बैग ना लें या छीने ना कोई चीज़। देन तो जब भी ऐसी कुछ केसेस आए थे तो डावरमैन ने अपना काम किया, अटैक किया, तो ये कान और पूंछ से पकड़ा गया, तो उसके बाद फिर उनके कान और पूंछ क्रॉप करनी शुरू हो गई, और उनसे फिर ये जिस ड्यूटी के लिए एक्चुअली ये था, वो ड्यूटी को वो और बेटर वे से करने लगा। तो ये एक छोटी सी कहानी है इसके कान और टेल क्रॉप करने के पीछे, जो आज तक बरकरार है, और अब कभी भी डॉग शो में देखोगे वो उनके कान और टेल क्रॉप्ड होते हैं, डक होती है टेल और कान क्रॉप्ड होते हैं। प्रिंस डॉग क्लब, सर मैं अपने डॉग के गर्भार, घर बार मेटिंग करवाता हूँ। हर बार मेटिंग करवाता हूँ पर ओके वो पप्पी नहीं देता, ओवरवेट भी नहीं है। सर। देखो ये आप शायद हमारा लाइव शो कंटिन्यूस नहीं देखते, रेगुलर व्यूअर्स नहीं हो, ये अगर होते तो ये सवाल का जवाब आपको मैं लगभग हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ये सेशन में सवाल आता रहता है। इसका सबसे एक मेन पॉइंट ये है सर कि जो भी जब भी भगवान ना करे आपका डॉग फीमेल मिस हो जाए, पहले तो मैं कभी भी फीमेल के ऊपर उंगली नहीं उठाता कि फीमेल की उसमें कोई प्रॉब्लम कम का प्रॉब्लम है, कमी है, कमजोरी है, ये एक कभी कभी ये मेल की साइड से प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी बार मीटिंग कराई किसी और मेल के साथ, फिर भी भगवान ना करे आपका डॉग मिस हो गया, मिस कर गया, तो फिर आपको तीसरी मीटिंग नहीं करवानी चाहिए, आप वैसे दूसरी भी नहीं करवानी चाहिए। करना क्या होता है, जब आपका डॉग हीट पर आता है दोबारा, तो आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, वो एक दो इसके टेस्ट करेंगे, अभी नहीं जब डॉग हीट पर आए तब तब वो टेस्ट किए जाते हैं, तब वो टेस्ट करवाइए, आपके सामने सब क्लियर हो जाएगा कि फीमेल में कोई दिक्कत है या नहीं है, अगर है तो उसका समाधान क्या है। गौरव पांडे, सर डॉग विनर कब बताओगे? माय फ्रेंड आपने शायद वीडियो अच्छी तरह नहीं देखी, वो वीडियो वो एक तो हम तो नहीं बताएंगे, वो कंप्यूटर ही चूज करेगा कि कौन विनर है।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਜੋ ਮੇਨ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਰ ਹੈ ਵੋ 6 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੋਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਵੋ ਆਪਕੋ ਪੂਰਾ ਕੈਸੇ ਵੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹਮ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜੀ रिम्पी राजपूत 5 मंथ के पप्पी को एग कितने देने चाहिए प्लीज टेल मी। आपने ब्रीड नहीं बताई ये पग है तो उसका फिर अलग सिस्टम हो या हो है अगर वो सेंट बर्नार्ड है तो फिर उसके तो अलग होंगे वो ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल हो जाएगा लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि डॉग की डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से जरूर चलिए अगर वो मीडियम कैटेगरी की ब्रीड भी है अगर मैं कहूँ कि एग देना डाइजेस्टिबिलिटी के ऊपर और वेदर के ऊपर और ब्रीड के ऊपर निर्भर करता है तीन चीज़ें बिग रोल प्ले करती है इस चीज़ में अगर आजकल का समय है मेरे पास 5 मंथ का मेरे पास पग है तो मैं उसको बड़े आराम से आधा एक सुबह आधा एक दोपहर को आधा एक शाम को दे सकता हूँ बड़े आराम से खाएगा शायद एक तीनों टाइम एक एक भी खा ले अगर मेरे पास सेंट बर्नार्ड रॉटवाइलर ऐसी बड़ी ब्रीडें हैं जर्मन शेफर्ड जिनका 30-40 किलो बॉडी वेट चला जाता है तो वो 2 दोपहर 2 शाम को 2 रात को और 3 भी खा सकते हैं 3 सुबह 3 दोपहर 3 शाम को ये डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से है सर यारों की गेमिंग सर अमेरिकन बोली एक्सेल की हाइट कैसे बढ़ाएं। सर देखो डॉग की जो भी ग्रोथ होती है ना वो कम से कम 18 महीने तक 15 महीने तक ग्रोथ करते हैं उसके लिए एक सिंपल तो फंडा यही है कि प्रॉपर आप न्यूट्रिशन भरा उसको खाना दें आई मीन टू से डॉग के ऊपर प्रॉपर आप डॉग फीड प्रॉपरली बंद मत कीजिए थोड़ी बहुत ही जरूर देते रहिए घर के खाने के साथ साथ लेकिन कैल्शियम और मल्टीविटामिन तो कभी मत बंद करना अगर डॉग फीड आप प्रॉपरली नहीं दे रहे तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है राहुल कुमार सर मेरे जर्मन शेफर्ड का लेफ्ट ईयर फूल गया है और नीचे झुक गया है 6 ईयर की डॉग। सर फिर आपको नियर बाई अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि उसमें पानी भरा है या क्या चीज़ है किस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है वो बिना देखे प्रैक्टिकली उस चीज़ को मैं नहीं आपको ज़्यादा बता पाऊंगा मोनल जिंदल सर व्हाट क्वालिटी ऑफ रॉट कैन आई गेट फ्रॉम यू इन 20,000। सर अच्छी क्वालिटी मैं ये कहूँगा अच्छी क्वालिटी बहुत बढ़िया तो नहीं है क्योंकि जर्मन सॉरी रॉटवाइलर एक ऐसी ब्रीड है जो कि 15,000 के आसपास से शुरू होती है और ये 30-40 70-80 1 लाख ऐसे बड़ी जल्दी से ऊपर चली जाती है लेकिन 20 में आपको एक अच्छा बढ़िया पप्पी पंचिंग हेड वाला हैवी बोन मिल सकता है सत्या पनवर हेलो सर मेरा डॉग जो वॉर्म्स हो रखा रखे हैं वो बहुत वीक होता जा रहा है प्लीज सॉल्यूशन सर। सर वॉर्म्स हो रखे हैं समझा नहीं सर अगर तो आपका कहने का मतलब ये है कि डॉग वीक हो रहा है बाकी वॉर्म्स का तो मैं प्रॉपर नहीं समझ पाया क्या मीनिंग है उसका तो उसका एक सबसे बेस्ट वे तो यही है सर कि डॉग जब ग्रोथ ना करे आप प्रॉपर उसको खाना भी दे रहे हो डॉग फीड वगैरह मल्टी विटामिन कैल्शियम फिर भी ग्रोथ ना करे तो सबसे बड़ा रीज़न होता है डॉग के पेट के कीड़े पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए प्रॉपर टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है बॉडी वेट के हिसाब से क्योंकि ये ना हो कि आप अंडर वेट या ओवर वेट दवाई दो ओवर डोज दो तो ओवर डोज देने से फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी अगर अंडर वेट दोगे दवाई तो भी फायदा नहीं होगा तो प्लीज़ हमेशा बॉडी वेट चेक करना पेट के कीड़ों की दवाई प्रॉपर टाइम टू टाइम डॉग को खाना दीजिए डाइजेस्टिबिलिटी के हिसाब से और कैल्शियम जरूर दीजिए पारस हेलो सर मेरे पिटबुल डॉग की आईज क्लाउडी सी हो गई हैं वो ड्रॉप भी नहीं डलवाती है कोई खाने वाली मेडिसिन बताओ प्लीज़ उसे दिक्कत भी नहीं है सही तरह दिखता भी नहीं है सर। सर फिर तो आपको नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि ये जब आंखों का मामला या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर टाइम अगर आप मेरे साथ बात बाई फोन भी करोगे तो भी वो चीज़ को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो बेटर वे होता है उसको देखना प्रैक्टिकली तो अगर वो आंखों में ड्रॉप भी नहीं डलवाता तो काफ़ी मुश्किल है हमारे लिए क्योंकि जो एक ड्रॉप ने काम कर देना है ना वो फिर वो इंजेक्शन या मेडिसिन लिक्विड या टेबलेट फॉर्म में उसे डबल या ट्रिपल समय लगता है लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपके नियरेस्ट कोई अच्छे डॉक्टर हैं वेटरनेरियन हॉस्पिटल है वहाँ जाइए वहाँ जाकर आपको इस चीज़ का समाधान ज़रूर मिल जाएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर मैंने आपकी ऐप पर पूछा था बट आपने बताया नहीं।
अब बता दीजिए ऐप के बारे में क्या आजकल। बोलिए बताइए। सर, ऐसा है कि ऐप में थोड़ी सी हमारी अभी एक अपडेशन के बारे में काम चल रहा है, इस कारण ऐप में हम ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहे, हमारे पास वो मैसेज नहीं आ रहे। तो जैसे होप सो कि कल ही वो ठीक हो जाए, लेकिन ऐप में थोड़ा सा टेक्निकली काम चल रहा है सर, हम उसके लिए डीपली अपोलोजाइज। अमित कुमार, हाय सर, मेरा रॉटवेलर 5.5 मंथ का है, 31 kg का है, ओवरवेट तो नहीं है? रॉटवाइलर 5 मंथ में सर, 5.5। तो बिल्कुल वो थोड़ा है, लेकिन आप जितना हो सके, ये बेस्ट समय है डॉग के अच्छा हैवी बनाने में, और जो उसकी ओवर फैट है या फैट है उसको मसल में कन्वर्ट करने के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये ठंडी का मौसम है। आप डॉग को कुछ लंबी वॉक भी दे सकते हो, तो आप ये बेस्ट टाइम का मत लॉस कीजिए। उसको कल सुबह से ही वॉक देना चालू कीजिए, जितना भी वो कदम बड़े आराम से चलता है, ये ना वो रास्ते में थक कर बैठ जाए, जितना वो चलकर फिर घर में आ सकता है, उस पॉइंट से आप रोज 10 12 15 स्टेप और आगे बढ़ाइए, रोज 10 12 15 20 स्टेप आगे बढ़ाइए, तो फिर वो जितना उसका स्टेमिना बेटर वे होगा, तो वो मस जो है फैट है वो मसल में कन्वर्ट होनी चालू हो जाएगी, और हमारा डॉग एक मैनेजेबल वेट में आ जाएगा जो सही हो। प्रेम जैन सर, 5 मंथ ओल्ड डोबरमैन 20 kg, 5 मंथ ओल्ड डोबरमैन 20 kg। जिसके आपके लिए भी सर वही मैं कहूँगा कि थोड़ी वॉक करवाइए, लेकिन नॉट अ बैड, ठीक है, लेकिन बट मैं यही कहूँगा कि ये जो फैट है ना, क्योंकि जो गर्मी आएगी ना, उनकी कैलोरीज वैसे ही बर्न हो जाएगी जब वो गर्मी के कारण हाँपते हैं, और तो अगर ज़्यादा बेटर है कि इस फैट का हम फायदा उठाएं। पीसी प्रियांशु, कुत्ते की नसबंदी कितने पैसे में होती है? सर ये सवाल तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट तो फ्री भी कहीं कहीं कैंप्स लगा रही है, और कई जगह बहुत मामूली सी फीस 800 700 800 रुपया, कई जगह 1200 रुपया में ले ले लेते हैं, लेकिन प्राइवेट में फिर ये चीज़ हज़ारों में पहुंच जाती है, किसी जगह 4000 रुपया ले रहे हैं, किसी जगह 7000 रुपया ले रहे हैं, और किसी जगह शायद 12 या 15 हज़ार रुपया भी ले रहे हैं। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, कैसा हॉस्पिटल है उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपके नियरेस्ट कोई लार्ज एनिमल का ही वेटरनेरियन हॉस्पिटल है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाइए, एक बार पूछिए, हो सकता है कि वहाँ गवर्नमेंट का कोई ना कोई प्लान चलता हो जिससे आपको फायदा हो। डेजी ब्लू नोज पिटबुल, पाजी मेरे पास पिटबुल है, प्लीज ये बताएं कि मैं अपना पिटबुल को घर की खाने में क्या क्या दे सकता हूँ सर, प्लीज मिडिल क्लास फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज बता दीजिए। कभी भी नमक मिर्च मसाला या मीठे वाला खाना तो कभी मत देना, कोई शादी ब्याह से आया हुआ खाना मीठा तो नहीं, आपके घर में बचा हुआ दाल सब्जी या बना हुआ साथ में चिकन दाल वाली बिल्कुल मत देना, और कभी मत डॉग को आप गीला ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि ब्रीडों को गर्मी में बहुत से प्रॉब्लम होती है, तो ये गीली जगह ज़्यादा बैठती है उसमें दिक्कत आती है। बाकी घर के खाने में सर आप चावल दे सकते हो, रोटी दे सकते हो, पनीर दे सकते हो, अगर आपके घर में नॉन वेज अलाउड है तो उबला हुआ अंडा दे सकते हो, चिकन बॉयल कर कर दे सकते हो, अगर आप घर में नॉन वेज नहीं अलाउड है तो ये बड़ी ब्रीडर होती हैं, इनके लिए आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसको जितना हो सके मल्टी विटामिन कैल्शियम बंद मत करना। डॉग लवर सर, मैं अपने पिटबुल फीमेल पप्पी अभी 45 डेज का हो गया है, क्या मैं उसे बोन बिल्डर एंड बॉडी गेनर दे सकता हूँ? बिल्कुल, जो हमारा प्रोडक्ट है बोन बिल्डर बॉडी गेनर तो मत देना, पपी पावर वो प्रोडक्ट है हमारा, वो आप डॉग को ये कुछ 40 डेज के आसपास 30 डेज के आसपास से चालू कर सकते हो, बाकी उसकी डोज साइड में लिखी है, वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। बाकी रही बात माय फ्रेंड, ये चीज़ से आपका काम हो जाएगा, पपी पावर से 90 दिन तक जरूर दीजिए। चेतन नायक वन, ये का लेब्राडोर को डीवॉर्मिंग कितने मंथ में दिए? सर अगर तो आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 3 मंथ, जब भी आपको डॉग दे, डिवॉर्मिंग का कभी भी फिक्स कोई शेड्यूल नहीं होता हर एक डॉग के लिए, ये हर एक डॉग के लिए अलग अलग ही है, चाहे वो एक ही मदर के को दो बच्चे क्यों ना हो, तो जब भी आपको लगे आपके डॉग की आंखों में कीचड़ आना चल गए चालू हो गया है, उसके साथ साथ जब भी आपको लगे कि उसकी पोटी अधिक ज़्यादा बार कर रहा है, पोटी से बदबू स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, घास फूस कंकर पत्थर की तरफ जा रहा है, कोई अनहाइजेनिक चीज खा रहा है,
तब 90% आप समझ लो कि इसको डिवॉर्मिंग की जरूरत है। जब ये शुरुआती लक्षण ऐसे दिखे तभी आप ये चीज को पकड़ लो तो ज्यादा बेटर है। पारस सर, शिमला के वेदर के हिसाब से साइबेरियन हस्की इज बेटर और अमेरिकन बुली? साइबेरियन हस्की, अमेरिकन बुल्ली के बाल नामात्र होते हैं और ज़्यादा ठंडी वेदर, शिमला क्या, शिमले का टेम्परेचर तो हमसे यहाँ का जलंधर से डाउन है। जलंधर का परसों टेम्परेचर 3 पॉइंट कुछ डिग्री था और इस टेम्परेचर में आप अमेरिकन बुल्ली को बिना कपड़े स्वेटर पहनाए घर से बाहर या घर के अंदर भी नहीं रख सकते, ठंडी बहुत लगती है। लेकिन लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड, सेंट बर्नार्ड हस्की, लासैप्सो, चिरजू, ऐसी ब्रीडों, पमरेनियम, ये फैमिलीज के, ये ब्रीडों के मज़े हैं इस वेदर में। तो आप कोई भी बालों वाली ब्रीड वहाँ रख सकते हो नो डाउट, बट बुली अगर रखना है तो फिर आपको विंटर में एक्स्ट्रा केयर करनी होगी उसकी। वाइल्ड गेमर, विच डॉग ब्रीड इज गॉड, सेंट बर्नार्ड और गोल्डन रिट्रीवर? प्लीज टेल प्राइस। सर देखो, सेंट बर्नार्ड एक अपनी जगह का डॉग है, अलग तरह का, गोल्डन रिट्रीवर अलग है। इनका प्राइस तो ज़्यादा डिफरेंस में नहीं है, ये भी 20-30 के बीच ही दोनों ब्रीडें मिल जाएंगी आपको। लेकिन सेंट बर्नार्ड का फर्क होता है कि वो 50 से लेकर 70-80 किलो, इससे भी अधिक बॉडी वेट चला जाता है उनका। और जो गोल्डन रिट्रीवर एक फिट डॉग है वो 30 के आसपास ही रहता है या 40 तक चले जाए मैक्सिमम, बट इतना फिट डॉग है। तो इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, बिग डिफरेंस आएगा। जो दोनों बालों वाली ब्रीड है, केयर दोनों को करनी पड़ेगी बालों की, लेकिन बॉडी वेट के ऊपर गेम आपकी बिगड़ेगी, कहाँ कितना आप मैनेज कर पाओगे। पबजी गेमर चैनल सर, गिव अवे के विनर का अनाउंसमेंट कब होगा? जब भी 6 लाख सब्सक्राइबर प्लस हो जाए। ओम, आई हैव अ फीमेल लैब्राडोर पपी, 10 मंथ, हर बैक लेग्स आर वीक एंड आई थिंक बैक लेग हैव लेस पावर एज कंपेयर टू फ्रंट लेग, व्हाट टू डू? सर ये भी कुछ देखकर ही मालूम पड़ेगा कि नियर बाई कोई अच्छे वेटरनेरियन डॉक्टर हैं, वहाँ आप दिखा सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी। बाकी रही बात सर वीकनेस में, तो कैल्शियम की कमी भी दिखाई लग सकता है, भी कैल्शियम की कमी हो। तो अगर आप कैल्शियम भी पूरा दे रहे हो, डॉग फीड भी पूरा दे रहे हो, तो आप डॉक्टर साहब को दिखाइए। अगर आपने कुछ समय पहले से कैल्शियम बंद कर रखा है या डॉग फीड से भी डॉग को हटा दिया है, तब आप फिर एक बार ये कैल्शियम चालू करके देखिए और थोड़ी डॉग फीड चालू करके देखिए। रोहित खान, हेलो सर, मेरी रॉटवाइलर फीमेल 8 मंथ बहुत ज़्यादा वीक है, वेट बहुत कम है 20 kg का, क्या मैं उसे स्टार्टर फीड दे सकता हूँ और कितना वेट होना चाहिए 8 मंथ में? कौन सी ब्रीड है? रॉटवाइलर रॉटवाइलर 8 मंथ में 20 kg? हाँ है, थोड़ा डाउन, बट इतना बुरा भी नहीं है ठीक। मैंने बट ये वेदर में के हिसाब से जस्टिफाई नहीं है। बट मैं ये कहता हूँ सर स्टार्टर फीड भी, हाँ उसमें सबसे ज़्यादा फैट प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है। लेकिन पप्पी वाली फीड भी दो तरह की आती है, जो भी आप कंपनी की फीड डाल रहे हो, चाहे वो स्मार्ट हार्ट है, पेडिग्री है, ड्रूस है, रॉयल कैनन है, उसमें पप्पी वाली एक नॉर्मल आती है और एक होती है जिसमें ज़्यादा फैट प्रोटीन हो। तो आप बिना स्टार्टर पर गए, ज़्यादा फैट और ज़्यादा प्रोटीन वाली पप्पी वाली फीड भी उसको दे सकते हो, लेकिन अगर आप दे रहे हो तो फिर आप स्टार्टर दीजिए। सज्जन शर्मा सर, मेरी लेब्राडोर को आज 49 डे हो गए मेटिंग करवाए हुए, रिजल्ट पॉजिटिव है बट वो मोशन थोड़ा पतला कर रही, वरी वाली तो बात नहीं है ना सर? हाँ नहीं, कोई ज़्यादा फरी वाली बात नहीं है, कुछ केसे कभी कभी डॉग ऐसा करता है। मैं फिर ये कहूँगा कि आपके आपके क्योंकि वॉमिटिंग की दवाई डॉग वाली स्पेशल, लूज मोशन की, डाइजेस्टिबिलिटी की, ये चीज़ें आप अभी अपने घर में एक फर्स्ट एड किट की तरह साइड में रख लो, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है इन सब चीज़ों की। तो लूज मोशन की दवाई जो आप डॉग की मिलती है, अगर आपके पास नहीं है तो जो इंसानों के बच्चों की होती है वो काम कर सकती है कुछ हद तक। वो हाफ डोज दीजिए, मतलब अगर उसके साइड में 5 ml लिखा है बॉडी वेट के हिसाब से तो फिर आप 2.5 ml दीजिए, अगर 2 ml लिखा है तो 1 ml दीजिए, हाफ आधी डोज दीजिए उसको। रमन सैनी सर, पोर्क मीट बेटर है चिकन से? मेरे पास अमेरिकन बुली है, उसे मैं चिकन दूं या पोर्क मीट? सर देखो, मैं हमारे अगर फार्मों की अगर आप बात करो तो 90% हम चिकन ही ट्राई करते हैं, यहाँ पर चिकन ही दिया जाता है। पोर्क में फैट अधिक होती है, उसमें अगर आप वो चीज़ फैट वाला, अगर आपको लगा कि आपके डॉग में फैट की कमी है तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो,
मैं अपने फार्म में चिकन रिजल्ट से ही सेटिस्फाई हूँ। मनवीर सिंह, हेलो सर, पेट को एस कोरोना वायरस इंजेक्शन की ज़रूरत है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, ऐसा कोई केस नहीं आया, बट अनफॉर्चुनेटली एक आज इंडिया का पहला पॉजिटिव केस अभी पकड़ा गया है, या कह लो कि आइडेंटिफाई हुआ है, वो केरला में हुआ है। इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ ऑल्सो, क्योंकि ये इंडिया में नहीं था, यूरोप में और बहुत अमेरिका में और सब बहुत सारी एशियन कंट्री में था, लेकिन फाइनली हम भी इंडियन भी इसकी अभी ये केस पकड़ा गया। तो बट आप जितना हो सके इसके जो प्रिकॉशन है वो लीजिए, पहले तो मेन ह्यूमन से ही वो चीज़ें हैं। तो बट प्लीज़ मैं फिर भी कहूँगा टेक केयर। एक मेरे फ्रेंड है कनाडा में, वो कुछ बता रहे थे कि कनाडा के एयरपोर्ट में भी एक कोई पकड़ा गया, लेकिन वो खुद पर्सन ठीक था, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, वो कोई उनको वायरस में कोई नहीं हो पाया, लेकिन उसके बैग के ऊपर उसका बैक्टीरिया कह लो, वो कीटाणु कह लो, जो भी कह लो, वो थे पाए गए। तो बट हाँ, ये पेट में भी जा सकता है, बट भगवान ना करे ऐसा कभी कोई हो, ये चीज़ यहीं पर कंट्रोल हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। सरोज राज, हाय सर, आज मेरे डबरमैन ने मेरी मॉम को फेस पर बाइट कर दिया, तो इससे कुछ होगा? उनको मेरे डॉग का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, प्लीज़ रिप्लाई सर। सर, अगर तो पप्पी की एज 50 60 70 दिन है तब तो ज़रा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उसकी एज 90 दिन के आसपास है और वह इंजेक्शन नहीं लगा है तो फिर आप जल्दी से डॉक्टर साहब के पास जाइए, आपकी मम्मी को इंजेक्शन लेने पड़ेंगे रेबीज वाले। प्रेम जैन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेडिग्री में पानी मिला सकते हैं? बिल्कुल माय फ्रेंड, पेडिग्री में छोटे बच्चों को तो, या बड़े डॉग को, मैं जितना कहता हूँ कि भीगा हुआ खाना दीजिए उतना ज़्यादा बेटर रहता है वो। आप कुछ मेरे फ्रेंड उसमें लस्सी मिलाते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड उसमें दही मिलाते हैं, योगर्ट कह लो, बटर मिल्क कह लो, एंड कुछ पानी मिलाते हैं। स्वप्निल सर, अमेरिकन बुली लेना चाहता हूँ, पर अगर मिक्स हुआ तो कैसे पहचानते हैं? सर अभी मिक्स कोई करता ही नहीं है, 90% ये समाना मिक्सिंग विक्सिंग का तो बहुत समय पहले चला गया पंजाब से। तो अभी जो अमेरिकन बुली का शो हो रहा है जलंधर में, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये ब्रीड कुछ ऐसी है जो कि 20-30 हज़ार से शुरू होकर लाखों तक चली जाती है। तो नॉन प्रोफेशनल बंदे थे जब, तब पहले मिक्सिंग कर कर बेच दिया इधर से उठा कर उधर, अभी लगभग फील्ड में जो भी हैं सभी प्रोफेशनल हैं और कोई ऐसा काम नहीं करता। आप बस कोई नाइस पर्सन चूज कर लो जिसको आप जानते हो। MSP व्लॉग्स, सर माई डॉग हैज हार्निया, व्हाट डू डू? सर ये तो आपके नियर बाई आप हॉस्पिटल में कोई लार्ज एनिमल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है या प्राइवेट, वहाँ जाकर ही मालूम पड़ेगा, एक्सरे वगैरह या स्कैनिंग वगैरह, फिर उसका क्या समाधान होता है, क्या रिपोर्ट्स आती हैं चेकअप के बाद, फिर ही आपको नेक्स्ट वो बता पाएंगे सर डॉक्टर। तो आपको जल्दी से एक बार डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए सुबह। अक्षय शर्मा, सर प्लीज रिप्लाई कर दो, मेरे पास 4 मंथ पिटबुल है, कभी कभी बाइट कर देती है और बात भी नहीं मानती। सर आप जल्दी से, ये जो ब्रीड है ना, ये ब्रीड के ऊपर काफ़ी अभी क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप अपने डॉग को कंट्रोल कीजिए। मैं कंट्रोल में वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ब्रीड ऐसी है कि जो अगर आपने उसको अभी अपनी कमांड के, आपके कमांड से बाहर निकल गई है ना, तो फिर वापस नहीं आएगी। तो हर एक चीज़ का ये नहीं होता कि डॉग को डरा कर रखो, एक डिसिप्लिन लाइफ जरूर रखो। आप भी उसके जो राइट्स हैं वो भी आप उनकी बात मानो, जो आपके राइट्स हैं वो भी आपकी बात माने। सॉरी, शीरो शीरो द जर्मन शेफर्ड डॉग, डॉग फूड ईटिंग एंड लूज स्टूल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। सर आप लूज मोशन की दवाई भी दे सकते हो, अगर वो डॉग फूड जो आपने अभी स्टार्ट किया है, यू कैन स्टॉप ऑल्सो चेंज टू अनदर कंपनी, हो सकता है वो डॉग फीड उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, कुछ दिक्कत होगी। उड़ीसा पेट केयर, सर मेरे 2.5 मंथ का रॉटवाइलर पपी है, एक रेबिस
लिया है, उसके बूस्टर का डेट कल है और आज मुझे खेलते समय मुझे थोड़ा सा काट लिया, कुछ प्रॉब्लम होगा मुझे? अगर उसको ऑलरेडी रेबिस का दिया हुआ है और बूस्टर का डेट है तो कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि पहला इंजेक्शन भी काम करता है, ऐसा है कि नहीं करता, लेकिन बूस्टर इसलिए एज ए प्रोटेक्शन दिया जाता है कि वो सपोर्ट हो जाए इसको। रोहित, पप्पी डॉग बिस्किट कब देने चाहिए? ये अलग अलग होते हैं सर, कुछ डॉग बिस्किट जो होते हैं वो आप 30 से 40 दिन के पपी से भी स्टार्ट कर सकते हो, कुछ के 8 वीक्स के बाद करने पड़ते हैं और कुछ के 12 वीक्स के बाद। ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है और बिस्किट की हार्डनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। यूट्यूब पर जी, वो अमेरिकन बुली था, पिटबुल नहीं। लेकिन जो मैंने वीडियो देखा उसमें तो मुझे ये लगी कि दैट्स अमेरिकन बुली, बट जो जितने मेरे फ्रेंड सर्कल से बात हुई, जो न्यूज़पेपर में आ रहा है उसी सभी के ऊपर पिटबुली लिखा हुआ है, जहाँ तो वो मिक्स हो सकता है क्योंकि बुलीज ऐसा करते नहीं है। अमेरिकन बुली मैं काफ़ी समय से इन ब्रीड के बारे में जानता हूँ, मेरे फार्म में भी कुछ अमेरिकन बुली है, मुझे कभी भी इसके बिहेवियर से नहीं ऐसा लगा। बट यहाँ मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि आप जब भी आप डॉग लो ना, आपके पास समय कितना है, आप बड़े डॉग को छोटे घर में नहीं रख सकते अगर आप उसको प्रॉपर 2 टाइम वॉक नहीं दोगे, प्रॉपर आप उसको उसका जो एक फिजिकली जो उसको एक्सरसाइज चाहिए वो आप नहीं दोगे, उसको बांधे रखोगे, केजिंग करते रखोगे 6 6 महीने 5 5 महीने, फिर वो डॉग इरिटेट होता है। बट इस केस में तो मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेने दीजिए, फिर ही कोई मैं ज़्यादा बता पाऊँगा। तन्मय घोष, हाई बोन लेबराडोर प्राइस इन योर स्टोर, मेरे छोटा फैमिली है, व्हाट यू सजेस्ट? लेब्राडोर सर फैमिली छोटी इट्स गुड, क्योंकि वो अच्छा फैमिली डॉग है, आपका फैमिली बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ये बड़े घरों में रखा जाता है। छोटे घरों में रखोगे तो बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं ये, और वेट पुट ऑन का मतलब है ओवरवेट होना, ओवरवेट का मतलब है उम्र कम हो जाना, बीमारियों का बुलावा आना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको एक अच्छा फैमिली डॉग चाहिए तो घर बड़े में रखो, लेब्रा ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फैमिली डॉग तो पग भी है अच्छा फैमिली डॉग, अगर वॉच डॉग में चाहिए तो डैश हाउंड है, बीगल है, पमरेनियम फैमिली है, लासा एप्सो शिरजू है, ऐसी बहुत सारी ब्रीडें हैं जो भौंकती भी कम है और अच्छे फैमिली डॉग भी होते हैं और वॉच डॉग भी होते हैं। रवि सिंह सर, मेरा डॉग 7 मंथ का है और 2 दिन से वो खाना नहीं खा रहा है। सर फिर तो आपको जल्दी से डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसको ठंडी लग गई हो, फीवर हो। आप नॉर्मली हम अपने डॉग को हग करते हैं, टच करते हैं, आप उसको हग कीजिए, टच कीजिए, वैसे ही आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी बॉडी नॉर्मल से थोड़ी गर्म है, तो उसको बुखार हो सकता है, फिर उसकी दवाई आपको देनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बुखार भी नहीं है, वैसे नॉर्मल खेल कूद रहा है, तो लीवर टॉनिक की भी आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर एंड ऑफ द डे कुछ ज़्यादा ना चीज़ समझ आए तो फिर तो मैं कहूँगा कि आप एक बार डॉक्टर साहब को ज़रूर दिखाइए। नेक्स्ट राकेश क्वेश्चन जी। ब्रदर, ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें? सर अभी किस तरह के आप फ्रॉड की बात कर रहे हो मुझे वो नहीं मालूम, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ में ऑनलाइन फ्रॉड। अभी कुछ दिन पहले किसी के बैंक से पैसे निकल गए, वो भी मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा था, किसी ने कोई चीज़ आइटम ऑर्डर की वो पहुंची नहीं, आई डोंट नो, बट इतना ज़रूर है कि आप जिस तरह के भी आप अगर पैसे या जितना हो सके अपना वो सोशल पासवर्ड्स अगर बैंकिंग रिलेटेड है तो वो कंट्रोल में रखिए, आप अपने से ज़्यादा किसी को और मत बताइए, बस वो सीक्रेट रखिए। अगर आप कोई वेबसाइट की बात कर रहे हो तो वहाँ भी थोड़ा केयरफुल, बाकी मेन अगर आप डॉग की रिलेटेड बात कर रहे हो तो वो वहाँ से लीजिए जहाँ से आपको खुद ट्रस्ट हो। बाकी लोग क्या कहते हैं किसी के बारे में, हर एक बंदा हर एक की आजकल टांग खींचने में लगा हुआ है, वो कोई भी है, लेकिन अगर आप किसी के बंदे के साथ बात करते हो खुद, तो आपको लगे कि हाँ इस बंदे पर ट्रस्ट किया जा सके। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी के भी, हर एक बंदा, तो क्योंकि बिजनेस की हो ना, अभी बिजनेस का सेकंड आप कह लो कि डेफिनेशन या सेकंड नेम कह लो कंपटीशन, कंपटीशन में फिर वो क्या होते हैं सांप दांत दंड भेद सब कुछ यूज करना पड़ता है, तो ये वो उनका हर एक का हक है, करने दो, बट एंड ऑफ द डे आपको जिसकी बातों पर यकीन हो, जिससे आप खुद बात करो, आपको लगे दिस इज साउंड इज गुड, तो वो आप चूज कीजिए।
पटेल हार्दिक सर, सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड पप्पी का प्राइस 20,000 तक होता है क्या? सर देखो, डॉग का प्राइस जरूर जर्मन शेफर्ड का उसके बालों की लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बिग जो है वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। वैसे ये 10-12 से शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 तक नहीं जा सकता, राइट? डीवीजी सचिन, हाय भैया, मेरे लैब मेल को मॉस्किटो ईयर में बाइट किया है, क्या करूं? अब ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। आप कोई भी एंटीसेप्टिक जो बाम होता है या कोई भी छोटा ऑइंटमेंट होता है, जो इवन हमारे ह्यूमन वाला की अगर कहीं हमारे भी छोटा मोटा पिंपल हो जाता है या कोई खरोच आ गई, जो वहाँ पर हम नॉर्मल ऑइंटमेंट लगाते हैं वो भी लगा सकते हो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन सर्दियों में और मॉस्किटो ने काटा थोड़ा सा न्यूज़ अलग है, बट बी केयरफुल कि वो मॉस्किट ही हो, वो घाव को आप कंटिन्यू देखते रहना कि वो बढ़े ना। पबजी गेमर चैनल सर, गिव अवे के लिए कितने लोगों को चूज किया? सर ये अभी नहीं चूज किया, अभी तो देखो जो कमेंट आ रहे हैं बहुत, हम तो खुद पढ़कर काफी खुश हो रहे हैं, इट्स रियली नाइस। बट ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्यूटर के द्वारा होगा, और ये 6 लाख प्लस सब्सक्राइबर पर होगा, और हम आपको प्रॉपर वीडियो देंगे कि कैसे चूज करता है कंप्यूटर। अजय यादव, 1 ईयर से कोई वैक्सीन नहीं दिया है, अब कैसे स्टार्ट करें? सर आज ही मान लो जी सुबह सुबह पहले ही आप एंटी रेबीज से स्टार्ट कर लो, क्योंकि आपको भी ये नहीं मालूम कि पहले ड्यू कौन से वाला होना है, क्योंकि बस कार्ड नहीं है, अगर कार्ड है तो आप वहाँ देख लीजिए। अदरवाइज जो जब भी आपको कभी भी ऐसा कुछ भी, मेरे फ्रेंड हैं जिनके डॉग साल के हैं, 2 साल के हैं, 5 साल के हैं, तो 10 साल के हैं, तो जब भी आप स्टार्ट करो वैक्सीनेशन, आपको मालूम नहीं हो और आपको मालूम पड़े करना है, तो पहले एंटी रेबीज से स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी सुरक्षा हो, और उसके 20 दिन के बाद फिर आप डॉग की बीमारियों वाला इंजेक्शन डॉग को दे सकते हो, और फिर वो दोनों डेट्स नोट डाउन कर लो, हर साल वो डेट्स को आप फॉलो करो। हिमांशु, पिटबुल का वेट कितना होता है? सर मेरे पिटबुल का वेट 18 kg के अराउंड है, और सर वो 6 मंथ का के आसपास है, तो ये सही वेट इसके हिसाब से प्लीज सर बताओ। वेट तो बहुत 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 बढ़िया, 6 मंथ में 18 kg इट्स नॉट बैड, बट आप अभी और भी जो मौसम चल रहा है इस हिसाब से तो आपको और इसका फायदा उठाना चाहिए। मोनल सर, व्हाट क्वालिटी ऑफ रॉड कैन आई गेट? सॉरी, हो गया ऋषभ तिवारी सर, लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड का प्राइस क्या है? सर, यही कुछ 15-18 से शुरू होगा, बट ये 20-30 ऐसे बढ़ सकता है। मिस्टर जैकी, राम राम भैया, क्या हाल है भाई जी? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए सर, कैसे हो, घर में सब ठीक ठाक? पारस सर, कल साइबेरियन हस्की का मालिक उनका माउथ की सर्जरी कर देता है, सो इज इट बेटर और नॉट? लेकिन वो सर्जरी किस प्रकार की सर, मैं ये नहीं समझ पाया। लेकिन अगर तो भगवान ना करे वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं माउथ के रिलेटेड, अगर तो वो ज़रूरी थी तो भी वो तो करनी चाहिए, बट मैं ऐसे ये सवाल पूरा समझ नहीं पाया, इसलिए मैं अपोलोजाइज। गुरविंदर सिंह सर, जर्मन शेफर्ड 10 मंथ का वेट कितना होना चाहिए? 10 kg से प्लस तो होना चाहिए, खासकर इस मौसम में। जितेंद्र चौहान सर, मेरे फीमेल जर्मन शेफर्ड काफी पतला है। जर्मन शेफर्ड फीमेल तो कभी मोटा नहीं, वैसे जर्मन शेफर्ड ब्रीड बहुत सारे मेरे फ्रेंड कहते हैं मोटा नहीं हो रहा, मोटा वो करना भी नहीं है। 3 मंथ में अगर आपका डॉग 12 किलो का है ना या 10 किलो का है तो वो बुरा नहीं है जर्मन शेफर्ड, लेकिन उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक लंबी बेल का डॉग होता है, उसका जो वो कभी रॉटवाइलर की तरह हैवी नहीं मत कीजिए, उसको दिक्कत आएगी, उसको फिट, वो फिट डॉग होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, इस कारण वो ज़्यादा मोटे भी नहीं होते। लेकिन ये ना हो कि आपका डॉग अंडर वेट भी हो ना, तो उसके लिए प्रॉपर आप पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए, डॉग फीड प्रॉपर टाइम टू टाइम दीजिए, और कैल्शियम ज़रूर दीजिए। यतेंद्र चौहान सर, मेरे फीमेल जर्मन शेफर्ड काफी पतला है। ये हो गया ना आई थिंक, अभी इसी का जवाब दिया सरदार जी। केडोस टीवी, हस्की हेयर कट इन समर कैन डू और नॉट? मैं अगर हमारे फार्मों में है तो हम कभी नहीं करते, वही जरूरत नहीं है। हाँ बट इतना उसके खान पान को इस तरह चेंज करते हैं कि उसको ज़्यादातर ठंडी तासीर का खाना मिले और वो कोई दिक्कत ना आए उसको गर्मियों में। मेरे पास खुद 3 साल से बैला है हस्की, मैंने तो कभी नहीं ऐसा कुछ भी किया।
आदि तिवारी सर, चाँव चाँव का कुछ बेनिफिट्स और प्रॉब्लम के बारे में बताया करिए प्लीज। चाँव चाँव एक हमारा वीडियोस है, दो वीडियोस है चाँव चाँव ब्रीड के ऊपर, आपने देखा नहीं माय फ्रेंड, नहीं तो आपके सवाल का जवाब आपको वही मिल जाता। चाँव चाँव एक ऐसी ब्रीड है जो कि थोड़ी सी गुस्से वाली होती है। थोड़ी क्या, हम पिटबुल के ऊपर ज़्यादातर उंगलियाँ उठाते हैं, लेकिन ये पिटबुल से भी आगे है। इसके जो रजिस्टर्ड केस है वो अगर ऑनलाइन चेक करोगे तो पिटबुल से भी ज़्यादा है। ये अटैक करता है बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर, बुजुर्ग, लेकिन उसका पेशेंट लेवल थोड़ा कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रीड बुरी है, बहुत अच्छी ब्रीड है। बट हाँ, गर्मियों में बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि हस्की को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। चौचौ तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत वाली ब्रीड है। हमारे दो फ्रेंड्स के पास है वो, हाँ भगवान की कृपा से सब कुछ है घर में, एसी सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनको हर गर्मियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो बी केयरफुल, अगर आप ये ब्रीड ले रहे हो तो गर्मियों के लिए आप थोड़ा स्पेशल आपको तैयार होना होता है। बाकी का समय, जैसे आजकल का समय है जनवरी मंथ, काफ़ी इंजॉय करते हैं। बाल टैंगल फ्री रखने के लिए कंघी रोज करनी पड़ती है, और वो तो 2 बार दिन में करते हैं। आदि तिवारी सर, चाचों का कुछ हो हो गया जी? गया, बार बार हो गया यानी दो। ओके सपना सिंह, हाय सर, मेरे सेंट बर्नार्ड 6 मंथ का है, उसको अब डिवॉर्मिंग हर मंथ की करना है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो 2 से 3 मंथ बड़े आराम डिवॉर्मिंग से रह लेगा। लेकिन डिवॉर्मिंग के जो सनटाइम्स होते हैं ना, अगर आपको दिखे वो कब कभी, तब आप वहाँ से रिएक्ट कीजिए, अदरवाइज तो आप कोई जरूरत नहीं है करने की। बिल्ला बराड सर, पिटबुल एंड डबरमैन मिक्स का प्राइस क्या है? हाँ, मिक्स ब्रीड का कभी कोई प्राइस नहीं होता सर। चेतन नायक, न्यू लैब को नोबी वैक्लाइन और कौन सा इंजेक्शन दिया है? क्या न्यू नोवे लैब को न्यू लैब को, न्यू लैब को आप DHPPI इंजेक्शन दीजिए 40 से 50 दिन के बिटवीन। वो आप नोवीवेक ले सकते हो, किसी भी और कंपनी का ले सकते हो। उसको सिंपल भाषा में, वैसे तो उसका नाम DHPPI है, लेकिन सिंपल भाषा में हम 7 in 1, 8 in 1, 9 in 1 ऐसे कह देते हैं। तो आप किसी भी कंपनी का जो आपके यहाँ आसानी से मिल रही हो वो लीजिए, लेकिन उसका टेम्परेचर ज़रूर मेंटेन रखना चाहिए जो कि 2 से लेकर 8 डिग्री होता है। ये ना हो कि आप उसको लिफाफे में लेकर घूमते रहो जैसे आप मार्केट में गोभी वगैरह खरीदते हो, वो ऐसा नहीं होता। नितेश यादव सर, हमने डलमेशियन मेल की मेटिंग करवानी है पर फीमेल नहीं है, सो कौन सी ब्रीड उसके लिए सही रहेगा? बिल्कुल भी आप किसी और ब्रीड के साथ मत करवाइए, सिर्फ डलमेशियन टू डलमेशियन ही करवाइए। आपके नियर बाई कोई अच्छा पेट शॉप वाला है, आपके नियर बाई कोई अच्छा डॉक्टर है, आपके नियर बाई कोई बड़ा फार्म है, वहाँ पर जाइए, उन लोगों को सब मालूम होता है, उनके संपर्क में हमेशा रहिए, वो आपकी ये प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे। शीरो द जर्मन शेफर्ड डॉग, 4 मंथ, जर्मन शेफर्ड फूड क्वांटिटी देना चाहिए? सर देखो, जो मोटा सा फंडा होता है ना, जो डॉग का बॉडी वेट होता है, मान लीजिए 15 kg डॉग का बॉडी वेट, 16 kg डॉग का बॉडी वेट है, उसका 2% डॉग खाना खा लेता है बड़े आराम से। 2% अगर मान लीजिए 10 kg बॉडी वेट है तो 200 ग्राम फीड वो एक टाइम बड़े आराम से खा लेगा। बाकी आपका डॉग डाइजेस्टिबिलिटी मेन होती है हमेशा, डाइजेस्टिबिलिटी। ये भी ना हो कि डॉग आपका जो है, जो उसका बाउल होता है खाने वाला बर्तन, वो उसको पूरी तरह साफ कर दे, चमका कर, जैसे आपको धोना ही ना पड़े, तो वो फिर भी आपकी तरफ देखे तो आपको लगेगा, मान लेना चाहिए या आपको होना चाहिए कि इसने खाना कम खाया है आज। और अगर आपका डॉग थोड़ा सा खाना छोड़ भी देता है तो वो कोई बुरा नहीं है। एसपीडी गेमिंग बाय जर्मन शेफर्ड चाहिए मुझे। हाँ मिल जाएगा सर, नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। हाँ वीडियो ओके, या आप हमारा फ्री फ्री जर्मन शेफर्ड भी ले सकते हो। हमारा वीडियो का लिंक हमने नहीं दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ वो उसको क्लिक कर आप फ्री भी जी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा नाइस सा कमेंट करना होगा। अमन आनंद, विच इज बेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर, जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर? हाँ, दोनों ही फर्स्ट टाइम की पहली पसंद होती है, और दोनों ही छोटे घरों में नहीं रखने जा चाहिए मेरे हिसाब से, जितना हो सके मीडियम टाइप कर या बड़े घर में रखने पसंद है, पसंद किए जाते हैं, रहना भी ये पसंद करते हैं। और अच्छा फैमिली डॉग दोनों ही है, लेकिन जर्मन शेफर्ड में एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत अच्छे वॉच डॉग होते हैं और बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग भी होते हैं, और बड़ों के साथ बड़ों की तरह, छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों की तरह रहते हैं।
और छोटे घर में भी अभी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो एक स्क्वायर फुट इनके हिसाब से लाइफ इनकी होनी चाहिए ना, वो जरूर दीजिए। कहीं आपका घर इनको आगे जाकर जेल की तरह ना लगे, वो भी नहीं होना चाहिए। जर्मन शेफर्ड सर, मेरे डॉग को बोलना सिखाना है। सर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर आप जैसे मैं अपने घर में पंजाबी भाषा अपने डॉग के साथ हर टाइम यूज़ करता हूँ कि कम हेयर गो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये मत खाओ वो मत खाओ, वो मेरी सारी भाषा पंजाबी वो समझते हैं। आप डॉग हमारा लगभग हर भाषा, जैसे लोग फॉरेनर होते हैं वो यूरोप में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, तो डॉग समझते हैं। वो जवाब नहीं दे पाते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फनी वीडियोज आए हैं जिसमें डॉग ने कुछ गाना गाया है, गुनगुनाया टाइप है, तो आप ट्राई कर सकते हो, होप कि हमें कुछ अच्छा मिले, लेकिन लव कुमार, बात जरूर किया कि डॉग के साथ। हेलो सर, मेरा जर्मन शेफर्ड 3 मंथ का है। उसकी अभी तबीयत ठीक हुई है और वो अब अग्रेसिव हो गया है और फैमिली मेंबर पे भी अटैक करता है। उसका वेट 9.5 kg है। वेट वाज इज गुड सर, बट ये क्या है कि डॉग इरिटेट, कब इरिटेट हुआ है इसका क्या कारण है वो जरूर देखिए। कभी कभी डॉग बीमारी से उठकर आता है तो भी इरिटेट होता है, कभी कभी और भी आपकी अटेंशन नहीं मिल पाती, टाइम नहीं मिल पाता, उसकी फिजिकल एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो पाती, उस कारण भी डॉग इरिटेट होता है, डिवॉर्मिंग ना करने के कारण भी डॉग इरिटेट होता है, बहुत सारे अलग अलग कारण है। तो मेरा एक वीडियो है व्हाई माई डॉग इज अग्रेसिव, वो देखिए, वो आपको काफी हेल्प करेगा वीडियो। आशीष देव सर, मेरे जर्मन शेफर्ड फीमेल ने डिलीवरी हुई है, एक मेल देते डेथ बॉर्न हुआ है और उसके बाद सारे पप्पी पप्पीज की डेथ हो गई है। तो सर, फीमेल के लिए कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन बताओ जिससे फीमेल सर काम आपको कर सके। जल्दी से जल्दी डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए कहीं कोई बच्चा पेट में रह तो नहीं गया, इन्फेक्शन तो ना बढ़ जाए। इंजेक्शन आप मेरे से मत पूछिए, क्योंकि डॉग को एक दो चीज़ें और भी चेक करनी होती है ना, क्यों है ऐसा, हुआ क्यों, डेड पप्पी डिलीवर क्यों हुए, क्या उसका कारण है, कोई पप्पी अंदर तो नहीं रह गया, कोई वो चीज़ तो नहीं अंदर रह गई, तो प्लीज़ सर इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए, इसका कारण ढूंढिए कि क्यों ऐसा हुआ, हमारी 6 महीने की मेहनत होती है, जोहेब प्लीज। खान, हाँ जी हेलो सर, मेरी रॉटवेलर फीमेल 8 मंथ बहुत वीक है। सर, इस मौसम में तो डॉग वीक नहीं होना चाहिए सर, देखो जहाँ तो आप उसको डॉग फीड से बिल्कुल हटा दिया है, जहाँ फिर सर आपने उसको प्रॉपर डॉग फीड से हटाना, डिवॉर्मिंग ना करना, ये दो मुख्य कारण होते हैं डॉग का वेट गिरने के या वीक होने के। रंजन सिंह, विच इज द बेस्ट शैम्पू सोप पाउडर फॉर डॉग। हाँ सर, आजकल तो ज़्यादा टिक्स नहीं होते, तो आप नॉर्मल शैम्पू, नॉर्मल विद शैम्पू विद एलोवेरा या नॉर्मल पाउडर यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे गर्मियाँ आती हैं तब आपके लिए टिक्स की ज़रूरत होती है, समय समय के हिसाब से ये चीज़ें बदलती हैं, तो अभी का जो समय चल रहा है इसमें आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल पाउडर यूज़ कर सकते हो, अगर बॉडी में छोटे छोटे टिक्स टाइप फ्लाइज टाइप है तो वो आप एंटी टिक पाउडर यूज़ कर सकते हो। छोटू कोली सर, मेरे पास अमेरिकन बुली है, इसके नीचे पेट पे दाने निकल गए हैं। वो सर छोटे बच्चे कभी कभी निकल आते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का ऑइनमेंट स्किन वाला लगा सकते हो, हमारे पास है एक शेल्फ पड़ा हुआ है यहाँ पर, या के स्किन भी लगा सकते हो इंडास कंपनी की, ये पेटोवेट है ये भी आप लगा सकते हो, ये एक्टेक का है, बाकी ये हमारा वीडियो है डॉग स्किन प्रॉब्लम, वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ मैंने 3 4 अलग अलग चीज़ें दिखाई हैं, उनमें से कोई भी लगा सकते हो, वो एक सिंपल होता है और ये छोटे बच्चे के निकलते हैं और लगाने के बाद वो कुछ दिन में आपको उसके आराम मिल जाएगा, लेकिन हाँ लगाते साथ ही डॉग कहीं उसको चाट ना ले, वो नहीं आपको, क्योंकि वो दवाई काम नहीं करेगी। हाँ जी ज़्यादा पप्पी का फूड क्वांटिटी कैसे मैनेजमेंट करें? सर, जो भी उसका बॉडी वेट होता है ना उसका 2% डॉग बड़े आराम से खा लेता है, बट मेन जो मैनेजमेंट होता है या समझना होता है वो एक सिंपल सा फंडा होता है, छोटा पप्पी का पेट से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना वो खा सकता है,
उसके बाउल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खा सकता है। जब हम हर 10 दिन के बाद उसका बॉडी वेट चेक करेंगे, वहां से भी मालूम पड़ जाएगा कि कहीं मैं फीड कम तो नहीं दे रहा। जैन बट सर, मैं पाकिस्तान से हूँ, आपका वीडियो देखे हैं और लाइव शो देखता हूँ, लव यू, बहुत नॉलेज मिलता है सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। टेक सैनी सर, आई वांट टू बाय रॉटवाइलर फ्रॉम यू एंड फैब, व्हाट प्राइस इट कॉस्ट एंड वेयर इज योर शॉप? रॉटवाइलर स्टार्टिंग अराउंड सर 15,000, इफ यू चूज ए गुड वन लाइक ए ब्रॉड हेड शॉर्ट मजल दे स्टार्टिंग अराउंड 20 to between 25,000। एक्चुअली आई एम लिविंग इन जलंधर पंजाब, और जो मेरी शॉप है वो जलंधर से होशियारपुर की तरफ आना पड़ेगा आपको, और वो धर्मशाला रोड है, और वो आपको 20 किलोमीटर जलंधर से एक साइड की तरफ, आपको आप GPS पर चेक करोगे करेवाल पेट शॉप एंड फार्म या भोला शोला पेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वो आपको लोकेशन मिल जाएगी। अमित सर जी, अमेरिकन बुली अकीता, अमेरिकन अकीता 77 डेज का है, उसका वेट 9 kg है। गोइंग गुड सर, बट और भी इम्प्रूव हो सकता है क्योंकि उसका कोट काफी घना होता है इन ब्रीडों का, और सर्दियों में कभी कभी गर्मियों में कभी कभी इनका वेट थोड़ा कम हो जाता है, गिर जाता है इसके आप कह लो। तो इसके लिए क्या है कि अभी जो वेदर है ये जनवरी का महीना काफी ठंडा है, ये बिल्कुल इसी वेदर के में हिसाब से ही है, तो अभी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देकर डॉग फीड बढ़ाकर या कैल्शियम बढ़ाकर या कोई सप्लीमेंट ट्राई कर कर थोड़ा सा वेट और दे दो इसको, तो बाद में अगर थोड़ा कम भी होगा तो कोई ज़्यादा डरने वाली या दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सुमन सर, मेरा 75 डेज पप्पी कल ऑयल खा लिया, क्या करूं? सर ऐसा होता है कि अगर भगवान ना करे कुछ पेट गड़बड़ होना था तो वो आपको आज सुबह या दोपहर तक होना हो जाना चाहिए था, तो भगवान आई क्रॉस माई फिंगर कि ऐसा कुछ ना हुआ हो, कोई लूज टूल ना हुआ हो, कोई वॉमिटिंग ना हुई हो, कोई डॉग का मूवमेंट स्लो ना हुई हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए था, नहीं तो सुबह जाइए। लेकिन अगर डॉग बिल्कुल ठीक है, खा पी रहा है, घूम रहा है, नॉर्मल है, तब डरने वाली कोई बात नहीं है। वन मशीन सर, कैन आई गिव कैल्शियम सप्लीमेंट डेली टू माई पप्पी? ऑफ कोर्स सर, कैल्शियम जो होता है वो डेली ही दिन में 2 बार दिया जाता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, क्योंकि आज मेरी एक फ्रेंड के साथ बात हो रही थी, वो कैल्शियम डॉग दिन दिन में 1 बार दे रहे थे, वो ज़्यादा ठीक नहीं होता, बेटर रिजल्ट के लिए ट्वाइस अ डे। निमिष गुप्ता भाई, मेरे लैब 4 साल का मेल है, 2-3 दिन से जमीन बहुत चाटता है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? डिवॉर्मिंग 5 जनवरी 2020 को की हुई है। बिग एक कारण हो सकता है कि जो डिवॉर्मिंग आपने की वो सक्सेसफुल नहीं हुई, या तो बॉडी वेट चेक करने से सर आपसे चूक हो गई, अगर ऐसी चूक नहीं हुई, बॉडी वेट आपने प्रॉपर सही चेक किया है, तो फिर आपने जो दवाई दी उसने काम नहीं किया। तो अभी 5 तारीख को दवाई दी तो आज हो गई है ऑलमोस्ट 30, तो अब दोबारा वो डोज रिपीट कर सकते हो, टाइम भी चेंज कर कर, अगर रात को दिया था, क्योंकि ये दवाई खाने के साथ नहीं दी जाती, अगर रात को दिया था तो सुबह उठकर दिन में भी आप दे सकते हो, खाना देने से ब्रेकफास्ट देने से 2 घंटे पहले, तो एक बार ऐसा करके देखिए। दूसरा पॉइंट हो सकता है कैल्शियम की कमी, लेकिन 90% बिग रीजन डिवॉर्मिंग अनसक्सेसफुल ही एक रीजन है। आर्यन बाबा सर, मेरी जर्मन शेफर्ड 11 मंथ की है और वो हीट पे आ चुकी है, उसकी मेटिंग करवा दूं? अगर डॉग फिट है तो आपके नियर बाई, क्योंकि ये मैं हमेशा यही कहा जाता है कि 12, 13, 14 महीनों के बाद ही डॉग को मेटिंग करवाइए, लेकिन अगर कुछ डॉग 12वें महीने में ही तो आप पर 30 किलो के हेल्थी होते हैं, पूरी समझ होती है, तब आप करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे कि डॉग 1% अंडर वेट है तो मत करवाइए, नेक्स्ट हीट विदिन 3 to 4 मंथ 5 मंथ में आनी चाहिए। दादिया सर, मेरे डॉग को लेग बेंड प्रॉब्लम हो गई है। सर उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, डॉग को ज़्यादा बांधिए ना, केजिंग मत कीजिए ज़्यादा, और हाँ डॉग को स्लिपरी फ्लोर, मार्बल टाइल्स स्लिपरी, जहाँ से उसके पैर पकड़ना पड़ पाए, स्लिप हो तो वहाँ पर मत रखिए, क्योंकि डॉग का जब बॉडी वेट बढ़ता है तो स्लिपरी फ्लोर में रहने से उसको भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अमीर अहमद सर, हैविंग अमेरिकन बुली 8 मंथ सर, उसके बालों में कुछ होता है जिसको रिमूव करते हैं तो सारे बाल निकल जाते हैं और उसकी खाल आ जाती है, अभी उसको बहुत बाद दिया और ऊपर सारे बाल निकल गए। ये सेंट बर्नार्ड में ऐसा होता है, स्किन की नहीं, प्रॉब्लम अमेरिकन बुली अमेरिकन बुली में तो नहीं ऐसा होना चाहिए, स्किन की प्रॉब्लम मुझे लग रहा है सर है, लेकिन बुलीज में भी तो ये
स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये ज़्यादातर गर्मियों में होती है। आजकल तक स्किन की प्रॉब्लम है तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि जाने अनजाने में आपसे या घर के किसी मेंबर से उसको नमक मिर्च मसाला मीठा या दूध आदि कैसा कुछ चीज़ खाने में दी गई हो, ये वहाँ से भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। लेकिन राइट नाउ मैं यही कहूँगा, जहाँ तो आपके नियर बाई कोई अच्छा वेट है वहाँ पर दिखा लीजिए वेटनेरियन डॉक्टर्स को, नहीं तो फिर मैं यही कहूँगा कि हमारा एक वीडियो है डॉग स्किन प्रॉब्लम के नाम से, वहाँ पर भी हमने कुछ मेडिकेटेड शैम्पू दिखाए हैं, वो भी चीज़ को काफ़ी हेल्प करेंगे। नीरज ग्रोवर सर, लासा एप्सो के बाल रेगुलरली झड़ते हैं, कोई इलाज बताइए। रेगुलरली नहीं झड़ते हर एक ब्रीड, किसी भी ब्रीड के बाद साल में सिर्फ 2 बार ही झड़ते होते हैं, लेकिन उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कमी आ जाए तब उसके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। एक तो कभी भी आप किसी ब्रीड को नमक मिर्च मसाला मीठा दूध आदि मत दीजिए माय फ्रेंड, ये चीज़ें ठीक नहीं होती, ये आज नहीं तो कल रंग दिखाती हैं। बाकी जब भी डॉग का हेयर फॉल चालू हो, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड किसी भी कंपनी का दो, चाहे वो बिफर का हो, चाहे वो बेरबे कंपनी का हो, चाहे वो एक्टेक का हो, चाहे वो किसी भी सेलेमन ड्रूस भी कंपनी बनाती है, और भी बहुत सारे। ओके कोई लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन ले ले नाइट फ्रेंड। बहुत है। ओके सारे ओके फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी सी यू अगेन नेक्स्ट ट्यूसडे एंड थर्सडे अराउंड 6 PM। हाँ जी क्वेश्चन। उज्जवल सिन्हा, मेरा मेल खाना नहीं खा रहा है और वो हीट पर भी है। आंसर प्लीज। हाँ सर, ऐसा होता है कि हीट में डॉग अक्सर ही ऐसा कुछ करते हैं जो खाना नहीं खाते, या मूवमेंट स्लो हो जाती है बॉडी में उनकी, चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो टेंशन वाली ज़्यादा नहीं बात है, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं खा रहा तो हो सकता है कहीं उसको बुखार तो नहीं है, तो आपको डॉक्टर साहब से चेक करवाना चाहिए। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन ये होती है कि आप डॉग को लीवर टॉनिक की हेल्प ज़रूर लीजिए। आजकल भी थोड़ा मौसम चेंज ही हो रहा है, क्योंकि आज काफ़ी कड़क दिन था, क्योंकि कल बहुत ठंडी थी, आज धूप में अगर आप खड़े भी हो रहे थे तो आपको लग रहा था कि फीलिंग लिटिल बिट हॉट, तो आप छाँव में आ रहे थे, तो इस कारण भी डॉग कभी कभी ऐसा करते हैं। लीवर टॉनिक की हेल्प ज़रूर लीजिए, कहीं अगर उसकी मूवमेंट भी स्लो है तो फिर तो आपको डॉक्टर साहब के पास दिखाना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड, हैव ए ग्रेट 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 इवनिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट ट्यूसडे थर्सडे अराउंड 6 PM। आप अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए, देयर इज सम गुड मैच कमिंग, क्रिकेट और बॉल भी चीज़ों में है, और जो बिग शो डॉग शो के आ रहे हैं मुंबई लुधियाना, बिग बिग डॉग शो, तो प्लीज़ विजिट कीजिए अगर आप नियर बाई हो। और एक जो है गुजरात में डॉग शो, वहाँ भी जाइए, जलंधर में सैटरडे को डॉग शो है, प्लीज़ विजिट कीजिए अगर आप नियर बाई हो। बट अपना ध्यान रखिए, अपने पेट पर ध्यान रखिए, बड़े घर में बड़ा डॉग रखिए, मीडियम रखिए, छोटा रखिए, लेकिन छोटे घर में कभी भी बड़ा डॉग मत रखिए, और अगर रखना है तो सुबह शाम अच्छी लंबी वॉक, ताकि वो रिलैक्स रहे, ऐसा ना हो कि आपका डॉग किसी को काटे नुकसान पहुंचाए, ये अच्छी बात नहीं है माय फ्रेंड, क्योंकि आप के साथ बहुत सारे लोगों का और फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी जुड़ी हुई है, तो अगर आपका डॉग कुछ ब्रीड गलत व्यवहार करती है तो हजारों फैमिलियों के ऊपर भी वो इम्पैक्ट जाता है, तो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेट माई फ्रेंड, प्लीज टेक केयर, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए उसको, अगर कोई आप दिक्कत परेशानी है वो इरिटेट है क्यों है, वो चीज़ को थोड़ा एनालाइज कीजिए, उसका समाधान कीजिए।